हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ईपीएफ के बारे में जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। दोस्तों हाँ, हम लोग जहाँ भी नौकरी करते हैं, जहाँ भी हमारे एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पे हमारे सैलरी में से कुछ परसेंट जो होता है वो काट के ईपीएफ में जमा होता है। दोस्तों वही ईपीएफ के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे ईपीएफ के बारे में आपके पास काफी कुछ जानकारी होगी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट में हम आपके लिए ईपीएफ और एफक्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे ही बहुत कम प्रचलित फैक्ट्स लेकर आए हैं। दोस्तों तो दोस्तों ईपीएफ से मतलब क्या है? कर्मचारी के जो ईपीएफ अकाउंट में उसकी सैलरी का 12% हिस्सा काट कर जमा किया जाता है। यहाँ सैलरी से मतलब कर्मचारी की पूरी सैलरी से नहीं है, बल्कि सिर्फ उस हिस्से से है जो कर्मचारी को बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ते यानी कि बेसिक और डीए के रूप में मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बने रहिए आई एम अ लर्नर के साथ। देखिए ईपीएफ और पीएफ में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, वो सारे डाउट्स लगभग मैं आपसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है ईपीएफ में, वो हम आपको बताते हैं कि क्या नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी से अपने द्वारा किए जाने वाला पीएफ कंट्रीब्यूशन काट सकता है? दोस्तों नहीं, बिल्कुल इसकी कोई अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी डिडक्शन करना कानून की नजर में अपराध है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, क्या ईपीएफ में पेमेंट का हवाला देकर नियोक्ता कर्मचारी के वेतन को घटा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह विशेष रूप से ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के तहत पूरा प्रतिबंधित है। तीसरी बात दोस्तों, क्या एक डेली रेटेड कर्मचारी या पीस रेटेड कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, एक डेली रेटेड कर्मचारी भी बन सकता है और पीस रेटेड कर्मचारी भी बन सकता है। डेली रेटेड कर्मचारी से मतलब है दिहाड़ी मजदूरी, और पीस रेटेड कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं। माना हमने 100 टी शर्ट अगर सिलवानी है, तो हम अगर पर पीस के हिसाब से किसी लेबर को लगा रहे हैं, तो वो पीस रेटेड कर्मचारी की श्रेणी में आएगा दोस्तों। तो हाँ, वो भी ईपीएफ में अपना योगदान कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी को डेली बेसिस पर या पीस रेट बेसिस पर वेतन मिलता है, तो क्या पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे निर्धारित होता है उसका? दोस्तों जितना भी उसको सैलरी मिलती है या जितना पूरे महीने भर में उसने जितना भी कमाया, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कमाया हो या दिहाड़ी बेस पे कमाया हो, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसका 12% पीएफ कितना कटेगा। पांचवी बात दोस्तों, क्या ईपीएफओ मेंबर जो ईपीएफओ मेंबर होता है, नियोक्ता द्वारा पीएफ ड्यू की देरी से डिपॉजिट पर पूरा ब्याज देने का हकदार है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, पीएफ खाते में ड्यू अमाउंट आने के बाद पीएफ मेंबर को हर माह ड्यू के लिए पूरा ब्याज दिया जाता है, और इससे पीएफ खाते में डाले गए कंट्रीब्यूशंस पर ड्यू ब्याज प्रभावित भी नहीं होता है। डेली से किए गए पीएफ कंट्रीब्यूशन के मामले में नियोक्ता पर ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 7Q के तहत जुर्माना, पीनल इंटरेस्ट, और सेक्शन 14B के तहत पीनल डैमेजेस चार्ज किए जाते हैं। अगली बात दोस्तों, अगर कर्मचारी पर कंपनी का कोई बकाया है, तो क्या नियोक्ता कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले ईपीएफ अमाउंट से कोई बकाया रिकवर कर सकता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो नियोक्ता है वो कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले पीएफ अकाउंट में से कोई भी बकाया रिकवर नहीं कर सकता है। अगर कोई कंपनी, अगली बात दोस्तों, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए या कारोबार समेट ले, तो क्या पीएफ कंट्रीब्यूशन को अन्य कर्जों के मुकाबले प्राथमिकता देते हुए भुगतान किया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उन्हें बाकी सारी कर्ज, जितने भी बाकी सारे कर्ज हैं, उन सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए ईपीएफओ में जमा किया जाएगा। अब अगली बात दोस्तों देखते हैं, क्या कर्मचारी अपने पीएफ में अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 12% से ज्यादा कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर कर्मचारी चाहे तो वो अपनी बेसिक सैलरी के 12% कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से पीएफ अकाउंट में कटवा सकता है। इसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं दोस्तों। पीएफ में वॉलंटरी प्लस अनिवार्य दोनों तरह के कंट्रीब्यूशन मिलाकर प्रति माह सिर्फ 15,000 रुपए तक ही हो सकता है। लेकिन याद रहे कि नियोक्ता की ओर से कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा। अगर कर्मचारी उच्च सैलरी के मामले में 15,000 रुपए की लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो उसे एपीएफसी और आरपीएफसी के नियमों के अनुरूप अनुमति लेनी होती है। अगली बात देखते हैं दोस्तों, क्या कर्मचारी अपने नियोक्ता से कंट्रीब्यूशन की रिकवरी दिखाने की मांग कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है। हर ईपीएफ मेंबर का कंट्रीब्यूशन कार्ड फॉर्म 3A ECR कॉपी में नियोक्ता से मांगा जा सकता है। आखिरी बात दोस्तों, 10वीं बात लेकर आए हैं हम यहाँ पे, अगर किसी एम्प्लॉय को पीएफ से मेंबरशिप नहीं दी जाती है, तो उसे किससे बात करनी चाहिए?
दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको ईपीएफ या पीएफ में मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है, तो कर्मचारी को सबसे पहले अपने नियोक्ता से बात करनी चाहिए। नियोक्ता की ओर से कुछ न किए जाने पर कर्मचारी निकटतम पीएफ कार्यालय के क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को अप्रोच कर सकता है और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से अपनी मेंबरशिप की गुजारिश कर सकता है। दोस्तों ये 10 बातें हमने आपको पीएफ के बारे में जो आज बताई है, बताइएगा क्या आपको इनमें से कोई बात पहले मालूम थी। अगर और भी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानना चाहते हैं तो आई एम ए लर्नर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे इंडिया के ईपीएफओ सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, हाँ जी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहां पर पीएफ की कोई भी शर्तें लागू नहीं होती है, वहां पर ईपीएफओ बिल्कुल निष्क्रिय है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कोई पीएफ की शर्तें लागू नहीं होती है, बाकी पूरे इंडिया में सेम जो उसके नियम है, जो कानून है, सारे के सारे सेम लगते हैं। दोस्तों 10 तरीके की बातें मैंने आपको पीएफ के बारे में बताई हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ बांटिएगा ताकि आने वाले भविष्य में उनका भी कुछ फायदा हो सके। दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और शेयर करते रहिएगा, बाकी बने रहिएगा आई एम ए लर्नर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।